नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है, एक घंटे की बारिश में चंडीगढ़ बेहाल। करोड़ों रुपए लगाकर प्री मानसून सफाई और व्यवस्था के दावे किए गए थे, लेकिन हल्लो माजरा में सड़कें नहर बनी नजर आई है। आपको बता दें, बाकी सेक्टरों में भी बुरा हाल रहा है। कभी 10-15 घंटे की बारिश के बाद भी पानी नहीं रुकता है। अब शहर की व्यवस्था आधा एक घंटे की बारिश भी बर्दाश्त कर पाती है। नगर निगम और प्रशासन के अफसर राजसी ठाट में व्यस्त है, तो पार्षदों और मेयर को भी फिक्र नजर नहीं आ रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे सहयोगी अजय शुक्ला, चीफ एडिटर आईटीवी नेटवर्क। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नरेश अरोड़ा जी हैं, मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुरबख्श रावत जी हैं और मेरी तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से चंद्रमुखी शर्मा जी हैं। आप सभी का स्वागत है। एक आज चंडीगढ़ में बड़े दिनों बाद में बारिश हुई है, राहत की सांस ली सबने कि थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, मानसून के दस्तक दी है। मुझे याद है कि आज से पहले 3 जुलाई को बारिश हुई थी, उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि आज बारिश के बाद में चंडीगढ़ के हाल बेहाल हुए। उस समय में जो चर्चा में साथी शामिल थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सदस्य मौजूद थे, उन्होंने विश्वास दिलाया था, पार्षद थे, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हफ्ते भर के अंदर सारी रोड गलियां साफ हो जाएंगी, इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस निर्देश के बाद में आज देखने को मिला कि चंडीगढ़ में चाहे बापू धाम रहा हो, चाहे हल्लो माजरा रहा हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की साइड रहा हो या सेक्टरों में रहा हो, तमाम सारी जगह पे हमें देखने को मिला कि पानी इस तरीके से भरा हुआ था जैसे लग रहा था कि कहीं नहर है। तो इन सब हालात को देख करके लगा कि आम आदमी किस ढंग से जिएगा। आपको स्क्रीन पे बहुत सारी तस्वीरें नजर भी आई, तो मैं इसको लेकर के सबसे पहले गुरबख्श रावत जी आपके पास ही आना चाहूंगा कि आप पार्षद भी हैं और पूर्व डिप्टी मेयर भी हैं, तो आपके समय में भी ये स्थिति होती थी, क्या हालत थे, कैसे आप लोग इससे जूझते थे या आप लोग नहीं कर पाते थे? जी गुरबख्श अजय जी, ऐसा है कि शहर को अगर ओवरऑल देखें हम, तो शहर के अंदर दो तरह जो सड़कें हैं वो या तो नगर निगम के अधीन है या चंडीगढ़ क्षेत्र प्रदेश है। जो भी बजटिंग होती है यहाँ पे डायरेक्टली केंद्र से होती है। अब ये नगर निगम और ये प्रशासन दोनों ही आज के डेट में भाजपा के अधीन है। पिछले सात साल से भाजपा के अधीन है, इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट है, इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इन केंद्र में इन्हीं की सरकार है। अगर कागजों के ऊपर जैसे प्रॉमिसेस कर दिए गए, ऐसे झूठी बातों के ऊपर अगर आप जाएं और जमीनी हकीकत और धरातल पर देखें, तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। आप ये देखें कि पिछले सात साल में अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, एक जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की बनती है, दूसरी जिम्मेदारी उस एरिया के पार्षदों की भी बनती है, वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रही है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में मैं ये कहूंगी कि भाजपा इस इम्प्लीमेंटेशन में 100% फेल हुई है। और इस फेलियर का आप ये जो आपने अभी प्रोग्राम्स दिखाई, ये फेलियर का प्रमाण है कि भाजपा इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं तो आपके समय में नहीं होता था ऐसा क्या? मैं यही पूछ रहा हूं कि आपके समय में ऐसा नहीं होता था क्या? देखिए, ऐसा है कि जब कोई ओवरऑल शहर का कोई प्लान या कॉम्पोजिट वर्क जो दिया जाता है, उसके बाद अगर उस कॉम्पोजिट वर्क के ऊपर चेक करना है, तो जिसका शासन हो वही चेकिंग करता है। तो हमारे मेयर या हमारे पार्षद जब मेजॉरिटी में रहे हो, मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसे ह्यूमन क्राई आई हो। अगर कहीं पर कोई ऐसा इशू आया तो उसको रेक्टिफाई जरूर
किया गया होगा, लेकिन आज की डेट का क्या इशू है? आज की डेट का ये इशू है कि धड़ाधड़ कुछ अता पता नहीं, ये सीधा आते हैं परमिशन दे रही है कॉम्पोजिट शहर के अंदर कि स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर को खोदा जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन की लाइंस लगाने के नाम पे पूरे शहर को खोदा जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन आप देखें रोड गलियों के ढक्कन उसी से अंदर गिरे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस कुछ नहीं है, रख रखाव के लिए बार बार बजट में मीटिंग्स में हमने आवाज उठाई कि रख रखाव के ऊपर क्या ध्यान, कि रख रखाव में बिल्कुल जीरो हो चुका। गुरबख जी, मैं एक चीज, सवाल मेरा ये है कि हमने, चूंकि हम मुद्दे उठाते हैं, हम शहर की बात करते हैं, हमने किया, हम यहाँ राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन हम यदि ना उठाते तो विपक्ष ने तो किसी ने उठाया नहीं था, आपने तो कहीं आज शोर नहीं मचाया कि ये हुआ। गुरबख जी देखिए, जहां तक पार्षद है, कोई पार्षद अगर सचेत है वो अपने एरिया में अपने काम करवाता है, लेकिन ओवरऑल जिस, मुझे लगता है आपके में कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम है, शायद इंटरनेट सही से नहीं काम कर रहा है, तो मैं चंदमुखी जी के पास जाना चाहूंगा। चंदमुखी जी, चंदमुखी जी, जो स्थिति है कि एक घंटे की बारिश के बाद ही स्थिति है कि उतने में ही बुरी स्थिति हो गई, पानी भर गया और दूसरी सारी समस्याएं हुई। हम लोग, गुरबख्श जी, मुझे लगता है आपकी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट की, तो आवाज सही नहीं आ रही है। रियलिटीज भी चेक करती हूँ मैं खुद जाके कि कहाँ, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ, मैं चंदमुखी जी के पास जा रहा हूँ। फोटोग्राफ से लेकर चंदमुखी जी, जो हालात हुए आज, पानी भरा, सारी चीजें हुई, करोड़ों रुपए, लेकिन धरातल पे आप देखिए बारिश जो है। मैं आता हूँ गुरबख्श जी, गुरबख्श जी, सबसे सवाल लेने हैं, मैं आता हूँ आपके पास। चंदमुखी जी, आप ये बताइए, जिस तरह से आज थोड़ी सी देर पानी बरसा, उतने में ही हालात बिगड़ गए, पहले एक समय होता था दो दो दिन, तीन तीन दिन मानसून की बारिश होती थी, इस तरह के हालात नहीं हुआ करते थे। खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं थी समय में, मुझे याद है शुरुआती दौर में अरुण सूद थे, उस दौरान इस तरह की स्थिति नहीं थी, लेकिन आज क्यों ऐसी स्थिति हो गई, क्यों ऐसा सब कुछ है? आपका माइक ऑफ है, ऑन कीजिए और जवाब दीजिए चंदमुखी जी। मेरा माइक ऑफ है। शुक्ला जी, पहले तो इंडियन न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसमें कहीं ना कहीं जो मेरी समझ के हिसाब से, अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं कि एक ना कोऑर्डिनेशन लेवल के ऊपर आपस में बड़ा समझे नहीं है इनका, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन का आपस में कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन है, ना ही कॉर्पोरेशन के बाकी विंग्स का। जैसे रोड वाले रोड बनाएंगे तो रोड गली का लेवल जो है वो कहीं चेंज हो जाता है, उसका रोड गली वाले जाएंगे उसको टेम्पररी साहब अपना अरेंजमेंट करके उसको खत्म कर देते हैं। कई बार तो जो ये रोड गली की कनेक्टिविटी है वो सिर्फ लोकलाइज कर रखी है इन्होंने, वो मेन लाइन के ऊपर लगाई नहीं हुई है, वो उसके नीचे इन्होंने थोड़ा सा अपना खड्डा खोद के छोड़ दिया, पानी भर गया, धीरे धीरे उसको रिसिस के जाने वाला काम कर दिया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी रहती है, क्योंकि अब चार साल, साढ़े चार साल हो गए अपना इनका दूसरी टर्म आ गई है, तो उसमें दिक्कत ये इनको रही है कि जो एरिया काउंसिलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि अपने एरिया में इतनी इन्फॉर्मेशन के उसके पास हो कि मेरे गांव में वाटर लॉगिंग होती है और उसका इमीडिएटली, मैंने अपने टाइम पे यही करता था, अफसर को वही बुला लेता था, उसकी साथ ही प्लान बनाता था। और एक सबसे बड़ी दिक्कत इस वजह ये जो इस साल हुई है, जो इनका रोड गलीज का सफाई वाला अभियान है बिल्कुल फ्लॉप है इनका, आज तक इन्होंने करा नहीं है। इनके तो अभी मैंने इससे पहले शुरू सेशन से शुरू पहले अपना इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करी तो ऑफ द रिकॉर्ड मोस्ट ऑफ ऑफिसर कह रहे थे जी हमने लेट कर दिया, हमने ये कर दिया। तो बेसिकली जो बात नटशेल में आती है, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी मेयर में नहीं रही और ना ही दूसरी कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन में रही है। ये बिल्कुल उसको हल्की सी बात समझते हैं जबकि नीचे पब्लिक में त्राही थ्राई होती है। आपने देखा होगा, मैं अभी आ रहा था, मेरी भी रास्ते में गाड़ी रुकी हुई थी तो इसी वजह से मेरे को 10 मिनट लगे अपने घर पहुंचते हुए। तो ये बिल्कुल नाकामी ये इनकी रही है उसमें। ये मैं ये नहीं कहता कि मेयर जाके करे, पर हाँ मेयर को ये चाहिए था कि बरसात मॉनसून शुरू होने से पहले ये अपने कोऑर्डिनेशन अपने करते। नहीं, एक शहर का डिजिट तो बनता है ना, नहीं, नहीं, मैं डिजिट तो बनता है, ये तो आपकी बात कर रहे हैं, मैं शुक्ला, उससे पहले मेरी बात खत्म होनी। मेयर को ये चाहिए था कि बरसात आने वाली है उस पर हम लोग अपने टाइम पे करते थे,
कि ये रोड गली से टेंडर लग गया सफाई का, ना तो मेरे को लगता है जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कोई ऐसी आपस में इनकी मीटिंग हुई है, ना ही कुछ लोग रोड जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के पास है उनसे बैठ के बात हुई है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस शहर में ये है, जब ये ग्रेडियंट रोड अपना बनती है, ग्रेडियंट बनाना होता है इसके रोड के लिए, जब रोड कारपेट होती है वो ग्रेडियंट बिल्कुल इनका इनके ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता। आप देखें जो कर्व चैनल की जो स्लोप चाहिए थी वो बिल्कुल स्लोप खत्म है, और यही एक रीजन रहा है कि आपका पानी का जो निकासी है बिल्कुल बंद हो गई है, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह। दूसरी सैनिटेशन वाले जितने पत्ते साफ करते हैं जब झड़ते हैं बरसात से पहले अपना पहले, वो सारे रोड गली के अंदर चले जाते हैं। तो बेसिकली ये टोटल फेलियर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, इनकी वर्किंग स्टाइल के ऊपर है भाजपा का। जी मैं नरेश जी आपको सुन पा रहे हैं मुझे? समोता भाजपा प्रवक्ता अभी कहीं कटे हुए हैं, उनका नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। मैं गुरबख्श जी आपके पास आता हूं, आप अपनी बात कह रही थी। हाँ नरेश जी आपको सुन पा रहे हैं मेरे को? अपना माइक ऑन कीजिए। जी जी नेटवर्क का थोड़ा इशू है आज शुक्ला जी। जी नहीं नहीं मैं बिल्कुल मैं वो बारिश के कारण मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये है कि स्थिति जो आपने दोनों लोगों की बात सुनी, आपने स्क्रीन पर तस्वीरें भी देखी, और जब बहुत सारी ये स्थितियां हैं, आप ये बताइए आप तो बचपन से इस शहर में रहते हैं, तो क्या ये स्थितियां कभी होती थी? शायद मतलब छिटपुट घटनाओं को छोड़ के कभी हमने सुना नहीं था। आज ये हालत क्यों हो गई, क्यों ऐसी स्थिति आ गई है कि न रोड गलियां साफ हो पा रही, न दूसरी चीजें हैं, पानी लगातार रुक जा रहा है, नहर जैसा बन जा रहा है हल्लो माजरा में और दूसरी जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया साइड में और दूसरी जगह पे, तो ये स्थिति हो गई। मैं अभी इत्तेफाक से भाजपा के एक लीडर थे और उन्हीं के साथ में घूम रहा था, और वो खुद देख करके हैरान थे कि ये हालत है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्थिति क्यों हुई, क्योंकि अभी 3 तारीख को जब हमने इसी से रिलेटेड चर्चा की थी तब आपके पार्षद ने कहा था कि हम ये विश्वास दिलाते हैं कि 7 दिन के अंदर सारी रोड गलियां साफ हो जाएंगी, हमारी प्लानिंग तैयार हो गई है। जी नरेश जी बहुत धन्यवाद। अजय जी ये करने से पहले मैं ये निवेदन करूंगा मेरे को 2 मिनट दीजिएगा आज। बिल्कुल आप निश्चिंत बोलिए, थोड़े ज्यादा चाहिए भाई साहब। बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए। आज ये जो मेरा पहनावा है, पहली बार आपने काला देखा होगा, ये मैं विरोध कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट है मेरा जो हमारे सीनियर लीडर संजय टंडन जी पे और मेयर साहब पे जो हमला हुआ उसको लेके मेरा विरोध भी है। संजय जी बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं, उनके साथ ये जो दुर्घटना हुई सबको इसका एक शब्द में विरोध करना चाहिए था, जो किसी पार्टी ने किया नहीं। और आपसे निवेदन करूंगा इस पे भी एक डिबेट जरूर कीजिए, क्योंकि संजय जी ने विधवाओं की पेंशन को लेके और ब्लड डोनेशन को लेके और कई चीजों के लिए संजय टंडन जी का चंडीगढ़ के लिए बहुत योगदान रहा है, और प्रथम नागरिक के ऊपर अटैक दुर्भाग्य है ये। दूसरी बात पे आता हूँ, वाटर लॉगिंग पे जो बात चल रही है जिसका आज हमारा डिबेट का विषय है। देखिए सब मानते हैं, आप भी इस बात को मानते होंगे कि इस बार जो मानसून है, मानसून थोड़ा लेट हुआ, पर हमारी तैयारी जो कॉरपोरेशन की थी वो डे 1 से थी। रोड गलियां लगातार साफ हुई हैं, उसकी फोटोग्राफ भी लोगों ने अपलोड की है। और इसके साथ साथ ना एक समस्या जो बड़ी उभर के आती है, आपने जी नोट की और जो आपने दिखाया भी, ज्यादातर ये समस्याएं कॉलोनी में और गांव में रही, शहरों में समस्या रही कम रही। ऐसा नहीं है कि जहां पे भाजपा का काउंसलर है सिर्फ समस्या वही रही, जहां कांग्रेस के काउंसलर है समस्या अगर थोड़ी बहुत थी तो वहां भी रही होगी। इस दृष्टिकोण से तो हमने कहीं पर भी तस्वीर ही नहीं की है कि हमने वार्ड तक नहीं, हम बता रहे हैं कि कहां की है। आप खुद बता दिया वो वार्ड आ गया, आपने सेक्टर बताया अजय जी, वो वार्ड आ गया, और हम भी समझते हैं, शहर के लोग हैं, लोकल लोग समझते हैं। तो जो कॉलोनी में और गांव में ज्यादा समस्या आई है उसमें हमारे प्रधानमंत्री की एक दूरदृष्टि रही थी, जिसमें उन्होंने वन टाइम प्लास्टिक के लिए जो सबको निवेदन किया था। आज जो सबसे बड़ी समस्या वाटर के ब्लॉकेज की आती है वो ये इसी के कारण आती है, जहां प्लास्टिक फंस जाता है, बॉटल्स फंस जाती है। सफाई शुरू से हुई, जब समय रहते सफाई शुरू कर दी गई, मेयर रहते हुए भी एक सिंबॉलिक हमारे मेयर ने जाके 23 सेक्टर का जो नाला था
उसमें सफाई खुद जाके की ताकि ब्लॉकेज यहाँ पे ना हो। मेन पानी वहां से निकलता है, जो सुखना चो है वहां से निकलता है, कहीं ब्लॉकेज ना हो। परंतु जब लेट हो जाता है मानसून, आप समझिए कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जहां पे रोड गलियों के ऊपर गाड़ियां पार्क हैं, अब व्यवस्था ऐसी है, पार्किंग की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, व्यवस्था कितने भी हम कर ले गाड़ियां रोज आ रही हैं, किसी को आप रोक नहीं सकते। पर उसके हिसाब से अगर रोज की बात करें, रोज उसकी सफाई के लिए हमने जेई एसडीओ, जहां ब्लॉकेज हो उसके एसडीओ के जेई के नंबर फ्लैश किए गए हैं। कहीं पे दिक्कत होती है हमारे काउंसलर जाते हैं, हम रेगुलर मीटिंग ले रहे हैं, जो भी इसके लिए जरूरत है वो रेगुलर चल रहा है। बारिश हो जाना उसके बाद लंबे समय तक अगर पानी रहे तो दोषी है, हमारे काउंसलर काम ना करे तो दोषी है, हमारे जेई काम ना करे तो दोषी है। पर ब्लॉकेज होने के बाद कितनी समय में वो निकल रहा है उसका भी आपको विवरण देना चाहिए। मैं आता हूँ सबसे, मैं गुरुवक्ष के पास आके फिर आपके पास आता हूँ। गुरुवक्ष, जैसा कि बताया नरेश जी ने कि उनके पार्षद भी बहुत सजग हैं, वो भी पूरा वो देखते हैं, सारे अधिकारी भी सब पूरे रेगुलर लगे रहते हैं, सब कुछ है, उन्होंने माना भी सारी चीजों को है, और उसके बाद वो कहते हैं कि सब कुछ वो लगातार कर रहे हैं। क्या आपको दिखता है कि सब हो रहा है, और यदि हो रहा है तो ये समस्या क्यों है? अजय जी, नरेश जी ने बहुत ही आराम से ये एक्सेप्ट कर किए। मुझे लगता है आज इंटरनेट की आपके यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्योंकि देखिए 7 साल से ये जो है नगर निगम को रूल कर रहे हैं, 7 साल से इनका प्रशासन है, उसमें लेट हो गया ड्यू टू सम रीजन, मानसून लेट हुआ। क्या ये रेगुलर एक रखरखाव का हिस्सा नहीं? बात ये नहीं है कि इसी समय होती है, बरसात सर्दियों में भी होती है। उस सब के लिए हमारे शहर के लिए एक विजन जो होना चाहिए वो भाजपा का उस विजन में कमी है, वो विजन नहीं है इनके पास कि शहर का रखरखाव लेट हो गया तो ये लेट हो गए। और या हमारे ऑफिसर्स काउंसलर्स, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि इनके विजन की कमी है। ओवरऑल कॉम्पोजिट वर्क जब शहर के लिए होता है तो मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रही, हो सकता आपने तस्वीरें दिखाई हो, लेकिन पूरे शहर के अंदर एक विजन नहीं है। लॉगिंग फ्री बनाना है, ये इन्होंने पॉलिथीन की बात की और चीजों की बात की, तो क्यों नहीं रेगुलर जो है ये प्रैक्टिस बनाते, क्यों नहीं रेगुलरली शहर के लिए काम करते? इनके लिए इनके पास विजन नहीं है। दिस इज द फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनीथिंग व्हिच दे हैव प्लान्ड। चलिए, मैं गुरुवक्ष जी कह रहे हैं कि इनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है, तमाम सारी वो है। चंद्रमुखी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आता हूँ नरेश जी आपके पास आता हूँ, फाइनल आप ही से लूंगा कमेंट। चंद्रमुखी जी, नरेश जी ने बताया कि उनके सारे लोग बिल्कुल सक्रिय रहते हैं सारी चीजें, उसी दौरान आप भी उंगली उठा रहे थे कि आप उस पर जवाब देना चाह रहे हैं। अब बताइए क्या स्थितियां हैं, क्या वास्तविकता है, उस जमीनी हकीकत बताइए। मैंने किसी मतलब कोशिश करी है, मैंने कटवा भी दिया है कि जिससे वार्ड और सेक्टर भी नजर ना आए, क्योंकि मैं किसी को बेसिकली किसी को इंगित करना नहीं चाहता हूं, लेकिन समस्या पर डिस्कस करना चाहता हूं। समस्या खड़ी है शहर में, आज वाटर लॉगिंग बहुत बुरी तरह से हुई, तमाम जगह पे बहुत बुरी परेशानी आई। जैसा कि नरेश जी ने भी माना कि गाँव में कॉलोनियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा थी, निश्चित रूप से वहां ज्यादा थी, वहां थी बापूधाम में थी, उसी जगह थी, लेकिन सेक्टरों में भी बुरी स्थिति थी। जी चंद्रमुखी जी, सबसे पहले तो मैं नरेश जी की दूसरी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि हम तो था कि इस पे डिबेट पे अपना इशू नहीं करने। जहां तक अटैक की बात है, हम पुरजोर से इस चीज का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। इस तरह का किसी भी पार्टी के आदमी के ऊपर या मेयर के ऊपर ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए था। पर इसके साथ साथ एक 30 सेकंड मैं लूंगा अपना अरोड़ा जी। जी जी बोलिए बोलिए। आज आप जो बात कर रहे हैं, जो प्रशासन किसका है, प्रशासन तो आपका है, आपने पुलिस को पहले इन्फॉर्म करा, उसके बाद जो आपके साथ ये हालत हुई, चलो ये आपका दूसरे, मैं यहाँ पे इस बात को खत्म करता हूँ, ये आपका अपना कभी और देख लेंगे। जहां तक रही डिस्कशन की बात,
बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। जहां तक इस क्योंकि इन्होंने टंडन जी का मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने फॉर्म किया उसके बाद ये हालत हुई है, तो ये बड़ा ही निंदनीय काम है। अगर पुलिस ने काम नहीं करा या इनके वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये इनको अपना देखना है। वो पब्लिक ने देख लिया कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की है। इस इशू के ऊपर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी जैसे रोडा जी ने कहा कि मानसून लेट आई है, तो इनके लिए तो अच्छी बात होनी चाहिए। मानसून लेट आई है तो अच्छी तरह सारा काम खत्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं चंद्रमुख जी साथ में बताया रोडा जी, बड़ी सीधी सी बात है, इस डिबेट के अंदर पोलिटिकली लंबी चौड़ी हम इश्यूज नहीं रेज कर रहे। हम तीनों पैनलिस्ट, आपका भी गुरुवर जी, हम सब ने बड़ी संयम से इस बात की ओर बात कर रहे हैं, और ये शहर का कंसर्न है, इसलिए एलिगेशन वाला बात नहीं। पर जहां पे जो एडमिशंस हैं, जहां पे जो फेलियर है, उसको हम एक्सेप्ट करके, सो दैट आप भी जाके अपना कन्वे करके उसको ठीक करने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा कि मानसून लेट आई है, उसमें तो उल्टा ज्यादा बढ़िया प्रबंध होने चाहिए थे। मैं आपसे बात ये कहता हूँ, आ रहा हूँ नरेश जी आपके पास आऊंगा। मैं आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बात इसको अपना कन्वे करिए, जहां भी करना है, कि आपकी जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और जो लीडरशिप क्वालिटी स्पिरिट होनी चाहिए वो नहीं हुई। अगर मेयर साहब ने ये शुरू होने से पहले सेशन सारे काउंसिल को बैठ के बात की होती, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और सारे विंग को तीनों को बैठा के बात करी होती, तो आज कुछ के परिणाम कुछ और होते। ये बात आज शहर कॉलोनी की नहीं है, अभियान आज 20 सेक्टर गुरुद्वारे के सामने भी हल्लो माजरे, शहर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी सैनिटेशन स्टाफ है, मान के चलिए आपका सारे रोड गली ब्लॉक वो करता है, और मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, आपके पास कॉर्पोरेशन में ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी कि ये लाइन कहाँ पे जुड़ रही है। आपने आपके नीचे स्टाफ ने कई ऐसे टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दिए रोड गली से कि भाई लोकलाइज उसको खोद के छोड़ दिया, उसकी कनेक्टिविटी आगे करी नहीं है। ये कुछ ऐसी सच्चाई है जो शायद टेक्निकल आदमी ही समझ पाएगा। आप अगर ये कन्वे कर पाए और उसको चेक कर पाए, ये आपको सच्चाई मिलेगी। मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं इसलिए आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ। ये सच्चाई है, इसमें आपको चाहिए था आपके मेयर को या आपके टीम को कि सब मिल बैठ के करते। हाँ, क्योंकि इतना पूरी टर्म खत्म हो गई है, अब तक तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए थी कि ये पॉइंट पे रोड गली ब्लॉक हो रही है, इसको हमने ठीक करना है। ये कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप क्वालिटी का फेलियर है। चलिए मैं आ रहा हूँ नरेश जी आपके पास ही। अब फाइनल ये है कि जो स्थितियां हैं, मैं कम से कम 19 सेक्टर में मैं भी रहता हूं, मैंने आज तक पार्षद की शकल नहीं देखी। चुनाव के पहले मेरे पास में संजय टंडन जी मिलवाने लेकर के आए थे, मैं मिला था, उसके बाद से आज तक मैं नहीं जानता हूं, मैंने नहीं देखा है, ना कहीं पे यहाँ पर कोई चीज का निरीक्षण करते देखा है, ना कभी कोई और चीजें देखी है। समस्याएं जो है यहाँ पर रेगुलर मैं देखता हूं। अब मैं इस पे आता हूं कि नरेश जी, ये स्थितियां हैं, जब ये सारी चीजें जब सामने दिख रही हैं, सारी बातें आ रही हैं, आप कह रहे हैं सब कोई कर रहा है, तो फिर समस्याएं क्यों हैं, और आप जो कहना चाहते थे उस पे जो जवाब देना चाहते थे वो बताएं। जी नरेश जी, फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा है अजय जी, हर समस्या का हमें पता है, समस्या कहाँ पे थी और हर समस्या का समाधान हुआ है। इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो दिक्कतें आती हैं उसका सलूशन साथ के साथ किया जाता है। बाकी बात रही समय पे जागने की, हमारी सरकार ने, मेयर ने समय पे इसके एक्शन लिए, उसका सर समय पे लिए होते हैं तब तो आप बताइए मानसून आने का वक्त जो है जून के लास्ट वीक में था। अजय जी देखिए, मानसून आया है, ऐसा नहीं है कि पूरे शहर में ब्लॉक हो जाओगे और अफरा तफरी हो गई। इतना बड़ा इशू कहीं नहीं हुआ, छोटी छोटी कहीं जो हुई अगर बात, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। जागरूकता की भी कमी है क्या? हम लोगों ने विपक्ष जो आज इल्जाम लगाने पे तो आ जाते हैं, कितने जागरूकता अभियान चलाए कि प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें, कितने जागरूकता अभियान चलाए हैं कि आरडब्ल्यू की मीटिंग में जाके अपनी अपनी बात कही हो। इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, क्या पब्लिक की पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है? वो जो थोड़ी बहुत समस्याएं आई हैं वो पब्लिक की पार्टिसिपेशन अगर और बढ़ेगी, आरडब्ल्यू, एक मिनट गुरुबख्श जी मैं बिल्कुल नहीं टोका किसी के बीच में, आरडब्ल्यू के साथ जितनी मीटिंग है हमारे काउंसलर करते हैं और कोई विपक्ष नहीं करता, विपक्ष सिर्फ इल्जामबाजी करता है। शहर को अच्छा चलाने में कहीं कोई योगदान नहीं है। कमेंट जो है गुरुबख्श जी का लेता हूँ। गुरुबख्श जी, विपक्ष सिर्फ जो है सिर्फ इल्जाम लगाता है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है पब्लिक के साथ,
सिर्फ इल्जाम लगाता है। गुरुवार जी बोलिए जवाब दीजिए, सिर्फ समस्याएं खड़ी करना विपक्ष का काम नहीं होता। विपक्ष सिर्फ समस्याएं खड़ी करता है, उसका कभी समाधान नहीं किया, कभी उन्होंने एक भी जागरूकता अभियान चलाया हो तो बताएं मुझे। के नाम पर इन्होंने पूरा शहर खोद दिया, पूरा शहर खोद दिया। जो जरूरत होगी सिटी को वो किया जाएगा, जो जरूरत होगी सिटी की वो किया जाएगा। जहाँ पे तार बिछेगी वहां पे खुदाई होगी, जहाँ पे कंप्लेंट आके फोटो डलेगी वो डलेगा, तब जाकर ये काम करें। इनका शहर के लिए विजन क्या है? चंदुकी जी बोलिए बोलिए और मैं खत्म करूं हैं, तो ये क्यों नहीं उन चीजों को बोलिए 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 चंदुकी जी। जो वायरस गुरुवर जी, हमने कितनी बार समस्याएं उठाई सदन में, ये बताइए। आप बताइए इस बार बंदे हैं, आपने जब आईडब्ल्यू में, आपने अपने 40 सेक्टर में, आपने अपने 40 सेक्टर में कितनी बार बात की बताइए। आपने अपने 40 सेक्टर के आईडब्ल्यू में कितनी बार बात की, आपने हाउस में कितनी बार बात की है बताइए। क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने सब कुछ किया, विपक्ष के लिए किया? मैं शुक्ला जी, हमारे मेयर, हमारे मेयर सुखना चौक में जाकर खुद सफाई करके आए हैं। आपने कितनी बार सफाई अभियान में भाग लिया? आपने कितनी बार सफाई अभियान चलाए? आपने जागरूकता कितनी बार चलाए? आपने हाउस में कितनी बार बात की? आप बताइए, सिर्फ इल्जाम लगाएंगे आप? सिर्फ इल्जाम लगाएंगे? आपकी कोई पावर ड्यूटी नहीं बनती, आपकी कोई सोशल ड्यूटी नहीं।